पहले के जमाने में अगर देखा हो तो खाने को हमेशा ब्लेस करके खाया जाता था। उसके पीछे ग्रेटिट्यूड तो था ही कि हमको जो भगवान ने दिया हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम भगवान को ये भी प्रे करते थे कि हमारे खाने की एनर्जी को पॉजिटिव कर दे। अब एनर्जी को पॉजिटिव कर दे मतलब, फॉर एग्जाम्पल खाना बना रही हूँ, कर्ज देते हुए मेरी सास ऐसी है मुझे कोसती रहती है, व्हाट यू आर डूइंग। आप चाहे मुंह से नहीं बोल रहे, आप मेंटली उस खाने में कर्ज पुट कर रहे हो। पति से लड़ाई हुई, खाना बना रहे, मेरा पति सुनता नहीं है, धर 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 गया। होटल में खाना खाने जाते हैं, हमें पता है वो जो कुक है वो किस दिक्कतों से आ रहा है, उसके साथ क्या हुआ है, उसके वो खाना बनाते हुए कितने उसके दिमाग में मेंटल थॉट्स चल रहे हैं। ये जो कर्सेस होते हैं, कर्सेस इज व्हाट, बुरा सोचना। इट इज नॉट अबाउट कि मैं आपके बारे में बुरा सोच रही हूँ, बट आप मेरे घर पे आए हो, मेरे मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई है और उसी थॉट फॉर्म में मैं खाना बना रही हूँ। आपके अंदर भी वो एनर्जी जाएगी और आप घर जाके कहीं ना अपने हस्बैंड से या किसी ना किसी से लड़ पड़ोगे। होता है ये, बहुत बारी होता है, नोटिस करना। आप किसी के घर से वापस आए, बेवजह आप लड़ पड़े, वो चेन रिएक्शन हो जाता है। चेन रिएक्शन हो जाता है क्योंकि आपने वहां की एनर्जी को पुट कर लिया। सो आई हैव अ हैबिट, मैं खाने को ब्लेस करके खाती हूँ, मैं पानी को भी ब्लेस करके पीती हूँ। इवन इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर और अ लंच आउटसाइड ऑल्सो, जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस बिकॉज एनर्जीज हमारी यहाँ से निकलती है, एंड जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड ब्लेस योर फूड सो दैट उसमें जो नेगेटिव एनर्जीज है वो किल हो जाए। बहुत पावर होती है, मेक योर दिस हैबिट टू।